राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है इसी दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसका उनके करोड़ों भक्त इंतजार कर रहे हैं इस बीच कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर पार्टी घिर सकती है बता दें कि उदित राज ने राम मंदिर के निर्माण को मनुवाद की वापसी बताया है उदित राज ने ट्वीट किया मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है उदित राज ने अपने ट्वीट में राम मंदिर या राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र तो नहीं किया है लेकिन 500 साल की बात से साफ है कि इनका इशारा राम मंदिर की ओर है अब इस टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पर हमलावर हो सकती है खास तौर पर राम चुनाव से पहले भाजपा माहौल में बनाने की कोशिश है और उससे पहले उदित राज की यह टिप्पणी उसे एक तरह से मौका देगी दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रण मिला है अब तक पार्टी ने इसे लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है और में में है यदि कांग्रेस के नेता इस आयोजन में नहीं गए तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर उसे घेर सकती है ऐसे में उदित राज का बयान आग में घी का काम करने वाला है उदित राज 2014 में भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने गए थे उसके बाद उनकी पार्टी से खटपट हो गई और वो कांग्रेस में चले गए उदित राज ने राजनीति की शुरुआत अपना ही एक दल इंडियन जस्टिस पार्टी बनाकर की थी दलितों के मुद्दे पर मुखर रहने वाले राज पहले भी कई बार भाजपा जमकर घेर भी सकती है एक बार फिर से बता दें कि राम मंदिर का जहां उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है इसी दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी जिसका उनके करोड़ों भक्त इंतजार कर रहे हैं वहीं इस बीच कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक ऐसा बयान दे दिया है है। जिस पर पार्टी घिर सकती है। उदित राज ने राम मंदिर के निर्माण को मनुवाद की वापसी बताया है। उदित राज ने एक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है उदित राज ने अपने ट्वीट में राम मंदिर या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र तो नहीं किया है लेकिन 500 साल की बात से साफ है कि उनका इशारा राम मंदिर की ओर है अब इस टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पर हमलावर भी हो सकती है खासतौर पर राम चुनाव से पहले बीजेपी माहौल राम में बनाने की कोशिश में है और उससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज की यह टिप्पणी उसे एक तरह से मौका देगी दरअसल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रण मिला है अब तक पार्टी ने इसे लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है यदि कांग्रेस के नेता इस आयोजन में नहीं गए तो भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर सकती है ऐसे में उदित राज का ये बयान आग में घी का काम करने वाला है